Grateful to Principal Ma'am, to Shubhra Ma'am and to the Legal Services Authority जिन्होंने आज मुझे आप लोगों के बीच में आके आप लोगों को address इतने important topic पे करने के लिए मौका दिया। तो firstly I will speak about कि आज हम यहाँ पर हैं क्यों। सभी को पता है कि drug abuse is eating, the menace of drug is eating into the very roots of India. आप if you just look around in your street, आप अपने घर के आसपास देख लीजिए, अगर आपके घर में नहीं तो आप अपने घर के आसपास देख लीजिए, दे वुड बी अ यंग बॉय और अ यंग गर्ल हु इज अ ड्रग एडिक्ट, या ड्रग एडिक्ट है, या फिर कुछ ऐसे सरकम या कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जिसमें कि किसी की डेथ हुई होगी। आई वुड से कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम पर ड्रग मेनेस से मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं यूथ की, और हम आए दिन न्यूज़ में ये सुनते हैं बात। एंड इफ आई जस्ट लुक अराउंड इन माय नेबरहुड आई कैन फाइंड सच केसेस। इसीलिए दिस मेनेस इज वेरी वेरी सीरियस। एंड यू पीपल, आप लोग कौन हैं? यू आर द नेशन बिल्डर्स, यू आर द फ्यूचर नेशन बिल्डर्स, यू आर गोइंग टू गो इनटू द स्कूल्स, टीच द यंग वंस। As you all know, it would be very surprising to know that the initiation of children into the drug is as low as 8 to 9 years of age. 8 se 9 saal ka bacha drug mein initiate ho jata hai hamare India mein. Kaise? Kahan galti reh jati hai? ये सोचने वाली बात है कि जो 8 से 9 साल का बच्चा, जिसका अभी बचपन भी नहीं पूरी तरह से गया, वो एक मासूम है, वो कैसे ड्रग में एडिक्ट हो जाता है, कैसे वो इसमें इनिशिएट हो जाता है। एंड वेरी सैडली 7 करोड़ पीपल इन इंडिया एज ऑफ नाउ आर इनटू द मेनेस ऑफ ड्रग एडिक्शन, एंड ओनली 17% ऑफ दीज 7 करोड़ आर एक्चुअल ड्रग एडिक्ट्स। तो बाकी 83% कौन है? हु आर दीज 83% ऑफ 7 करोड़ पीपल? ये कौन है? दी आर द पीपल हु आर इनटू द इलिसिट कल्टीवेशन ऑफ ड्रग क्रॉप्स, हु आर इनटू द मार्केटिंग, हु आर इनटू द ट्रांसपोर्टेशन, इलीगल सप्लाई टू यंगस्टर्स। यानी कि बाकी का जो तबका है वो कितने ज्यादा लोग हैं? 83% ऑफ 7 करोड़ इज इनटू दिस बिजनेस, एंड 17% ऑफ दिस 7 करोड़ आर द एक्चुअल एडिक्ट्स। तो प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है, ये नहीं है कि जस्ट आइडेंटिफाई द ड्रग एडिक्ट और उसको सुधारो, इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ड्रग एडिक्ट नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लीगल सर्विसेज का रोल से मैं शुरू करूंगी, मैं बताऊंगी कि हम लोग क्या इसमें कर रहे हैं, और फिर मैं आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा अपना नजरिया देती हूँ। एक्चुअली इंडिया में देखा गया कि जैसे मैं आई जस्ट स्टेटेड द फैक्ट्स दैट सच अ ग्रिम सिचुएशन इज देयर। हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज सिग्नेटरी टू 4 कन्वेंशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके ऊपर ड्रग एडिक्शन पे 4 कन्वेंशंस हुई हैं, फ्रॉम 1961, देन 1971, 1972 एंड फाइनली इन 1988। ऑल 4 हैव बीन साइंड ऑन बाय इंडिया, और ऑल ऑफ देम आर ऑन इलिसिट ट्रैफिक ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स। तो इसके बावजूद भी देयर इज अ शार्प राइज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 45 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग प्रोहिबिशन ऑफ ऑल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स एक्सेप्ट ऑफ दोज विच आर फॉर मेडिसिनल पर्पजेज। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बता रहे हैं। उसके बाद वी हैव टू एक्ट्स, वी हैव टू वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट्स, वन ऑफ देम इज रियली रियली वेरी स्ट्रिक्ट। वन इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, एंड सेकेंड वन इज नार्कोटिक सब्सटेंसेस एंड साइकोट्रोपिक
ड्रग्स एक्ट, जिसको हम NDPS एक्ट कहते हैं 1985, इट इज़ रियली वेरी स्ट्रिक्ट. ये एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है. और जहाँ तक कोर्ट्स की बात है, एज यू ऑल नो, क्योंकि अभी इतना मैनेज प्रेवलेंट है, तो यू मस्ट बी हैविंग नॉलेज की इफ एनी पर्सन इज कॉट हैविंग कमर्शियल क्वान्टिटी ऑफ दिस ड्रग्स, तो उसको बेल is not allowed. Usko he keeps off in he keeps on rotting in the jail, I would say. But still, I have visited jails. If one person is in the jail, the other person of the family is in the business. In every neighborhood, we can see young children, young students, they are just falling prey to this drug addiction. So the role we are here just not to discuss that why they are in this menace, but we are here to discuss that what we are going to do to eradicate, to make them a better citizen, to make them a better person, and how do we do it. So this, that is why we have invited today's resource person, Ms. Pooja Raina, who is from the legal services, and she is sub-judge. And as she said, that the government has organized this program to so that it can go to every level, panchayat level, village level, block level, kyunki jo problem hai wo itni deep rooted hai ki unless each one of us, I'll just impress upon that each one of us has to work on it, so that हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इससे हम नशा मुक्त भारत जो है उसको क्रिएट कर सकें. क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन ये जो नशा है ये हम इतने इनके जो बिट्स हैं जो इन्होंने बेट होते हैं वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होती है इनिशली कि आपको पता ही नहीं चलता कि यू आर फॉलिंग प्रे टू दिस. एंड दे आर सो चीप, जो भी ये बेट डालते हैं वो इतनी चीप होती है और सबस्टेंस की फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है एवरीवन, हर कोई जो है उसका एडिक्ट बनता जाता है. एंड देन ए स्टेज कम्स कि जब आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, एंड देन द रियल जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है. और हमें तभी पता चलता है जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते. सो मेरी आज की वर्कशॉप से और मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, एंड लेट्स हैव ए प्लेज ऑल्सो कि हमारे जितने भी, मैं आई एम वेरी लकी कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर इन टू टीचिंग प्रोफेशन, बिकॉज दे आर ऑल बी एड स्टूडेंट्स, एम एड स्टूडेंट्स, एंड मोर आर लेस दे वो जो टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे और टीचर्स का डायरेक्ट कंटैक्ट रहता है अपने स्टूडेंट्स के साथ. और मैं चाहूँगी कि चाहे आप टीचिंग में है या ना हो, लेकिन इस वर्कशॉप के बाद आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम कहीं पर भी कोई ड्रग एडिक्ट है उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसका कॉज जाने, उसको साइकोलॉजिकली ट्रीट करें, और उसके बाद उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जो है उसको वहां पे वहां तक पहुंचाएं. जज सीनियर डिवीजन पोस्टेड एज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कठुआ, वी वेलकम यू मैम. द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट लीडर इज इन्फ्लुएंस्ड एंड नॉट एन अथॉरिटी. With these words, I welcome our respected principal ma'am, who's the patron of this event, Professor Ekta Gupta ma'am. Welcome ma'am. Thank you so much for taking up this initiative and being with us always. Thank you ma'am. He puts up his soul and heart, uplifting others and attaining dignity. I welcome all the staff members who have joined us with us today on this particular event. Thank you, my dear NSS team, for being with us and taking up this initiative. Last but not the least, your capabilities, life has ability to take you a long way. And of course, now we are going to talk about drugs, and you should have a drug-free life ahead. You are the future teachers, and you should be the pillars of society and bring out the menace here in the society, bring it out and be the perfect guardians of this particular edict. With these words, I thank each one of you present here, from the teaching as well as non-teaching staff members. Thank you once again. Thank you all.
हम घर से सुबह दूध पी के आते हैं, कहते हैं कि क्या हमारी डाइट क्या है, फिर भी जब हम कॉलेज या कहीं भी हम पहुँचे तो कहते हैं मेरी स्टामक में पेन होने लगा। उसका कारण यह है मैम कि जितने भी हमारे मैंने देखा है, अपने गांव में भी देखा, वहाँ भी हमने विजिट किया है, कभी मलेरिया के लिए जाते थे कभी के लिए, हर डेयरी फार्म है या हर घर है जहाँ गाय है भैंस है मैम, वहाँ आज ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इतना बोलबाला हो गया है कि हम जब ड्यूटी से जाते हैं कहते हैं मुझे थोड़ा सा नशा हो गया, एक फलाने तो थोड़ी सी मुझे चाय बना दे के मुझे थकावट होगी, जब हम मैम चाय पीते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, वो नशा भी अब जो है वो इंजेक्शन जो लगाते हैं गाय को, इतनी बड़ी गाय है इतना सा हाफ एम एल का उसको इंजेक्शन लगता है, वो सोचती है कि मेरा अगर 20 किलो में दूध देती हूँ मेरा 20 किलो का 20 गुना ही निकल जाए। इस चीज़ पे भी मैम आपको तो हम एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी नोटिस में ये बात हम जरूर लाएंगे, इस तरह के जो एनजीओ हैं जो हमारे ये पीछे बच्चे और बेटियाँ बैठी हुई हैं, प्रोफेसर साहिबान बैठे हैं, इस किस्म का भी जो प्रोग्राम है वो भी लॉन्च होना चाहिए, टीमें बननी चाहिए, मैम को घर घर जाके देखें, उससे भी नशा जो है वो बड़ा फैल चुका है। हम तो खाली गवर्नमेंट भी खाली मैम को दे रही है ड्रग्स पे ड्रग्स पे ड्रग्स से, बेसिकली मैम हम ये कहना चाहता हूँ कि ड्रग है क्या, कितने किस्म के ड्रग हैं, ये नहीं है कि हीरोइन ले ली वो ले ली कैफीन ले ली, चाय पीते हैं उसमें भी थोड़ी कैफीन होती है उसमें होती है, मैम जो बड़ा काज हमारी स्टमक का आज बन रहा है मैम वो है ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है उस पर बैन लगा गया। थैंक यू मैम। टॉपिक ये है तो इसमें मैं आपको सिंपल ये बोलूंगी, देखिए आप लोग जब सर्वे करते हैं आप लोग जाते हैं, इसके अलावा ये तो एक आपने इश्यू बताया, इसके अलावा और भी अगर आपकी नोटिस में ऐसी बातें आती हैं विच आर हार्मफुल टू द सोसाइटी एंड एक्चुअली अभी आपको नहीं समझ आ रहा कि हम व्हाट कैन बी द रिड्रेसल ऑफ दिस, सिंपली यू कैन जस्ट अप्रोच योर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और हम वहां पर जो है उस चीज का संज्ञान लेंगे। इसमें मैं आपको बताऊं जैसे अभी आप जो ऑक्सीटोसिन की टॉक्सिन की बात कर रहे हैं, इसमें फूड सेफ्टी एक्ट को हम ला सकते हैं इनफोर्स, वी कैन कोऑर्डिनेट विद द फूड सेफ्टी ऑफिसर, दे कैन विजिट दैट पर्टिकुलर एरिया कि कौन है कैसे कर रहे हैं एंड दैट थिंग कैन बी स्टॉप देयर, तो वी दैट इज वेरी गुड दैट वी आर विजिलेंट, लेकिन विजिलेंट होके उसको रिड्रेसल करना भी जरूरी है। तो वो आप अभी मैंने जैसे मैं शेयर कर दूंगी शुभ्रा मैम से हमारा ईमेल आईडी जम्मू वाला भी, और यू कैन जस्ट ड्रॉप एन ईमेल, इट इज सो इजी, अभी सोशल मीडिया का एज है तो कोई हैसल भी नहीं है, एक ईमेल ही लिखना दो लाइंस का, जस्ट गिव द एड्रेस कि कहाँ पर आपने कोई चीज देखी, वी विल फॉर्म द टीम्स एंड वी कैन जस्ट राइट टू द कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिसर। हमारा ये कोऑर्डिनेशन इस जहाँ पर अभी हम हैं, वी हैव अटमोस्ट कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन, बी डीसी एसएसपी, सो वी हैव वी कैन वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द रिसोर्सेज टू रिड्रेस द प्रॉब्लम प्रोवाइडेड कि हमारे पास वो प्रॉब्लम आए। तो आई वुड इंकरेज ऑल ऑफ यू कि अगर ऐसा आप कुछ देख रहे हैं तो यू कैन, ये तो गलत बात है, देखिए दिस इज नॉट सेफ फॉर हेल्थ, ना सिर्फ आपकी छोटे छोटे बच्चों की जो दूध पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, एज एन एडल्ट हम कितना थोड़ा दूध लेते हैं, वी जस्ट कंज्यूम, कोई होता है जो दूध पूरा पीता है, अदरवाइज वी कंज्यूम इट इन टी और कॉफी और कर्ड, तो बच्चे जो है दे कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मिल्क, सो दिस इज वेरी रेलिवेंट, आप शेयर करिएगा जरूर करिएगा, आई विल शेयर द ईमेल आईडी एड्रेस आप दे दीजिए, तो वी कैन सी कि क्या हो रहा है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो बी ब्रॉट इन टू नोटिस ऑफ दिस फैक्ट। थैंक यू सर। उसके अलावा बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वार्म ग्रीटिंग्स टू वर्दी प्रिंसिपल मैम, आवर गेस्ट फॉर द डे एंड माई फेलो प्रोफेसर एंड माई डियर स्टूडेंट्स एंड मीडिया पर्सनल्स, वेलकम यू ऑल। A lot has been said regarding the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Ma'am, let me share with you that we have been in association with this Nasha Mukt Bharat Abhiyan from the last 2 years. We collaborated with the said minister who is directly involved in this very activity. Nasha Mukt Bharat Abhiyan Andolan, it has been started from the family, a family from UP, the family of a minister of housing and urban affairs, Shri Kaushal Kumar ji,
कौशल किशोर जी, जिनके अपने बेटे शुभम किशोर जी की डेथ जो है बड़ी छोटी सी एज में बिकॉज ऑफ इनटू द ड्रग्स, बिकॉज ही वाज इनटू द ड्रग्स, ड्रग्स की वजह से उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। एंड इस सदमे के, वो इतने सदमे में थे, इतना दुख ये घड़ी थी उनके लिए कि उन्होंने इस अपने घर की एक घर से शुरू करके ये स्पार्क जो है, स्पार्क ऑफ डी एडिक्शन जो है, अपने घर से शुरू करके पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने का निश्चय जो है लिया है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर मुझे धन्यवाद प्रस्ताव देने का मौका मिला। इस अवसर के लिए मैं अपने आप को आभारी समझती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर एकता गुप्ता जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन से आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। धन्यवाद मैम। हमारे आज के मुख्य अतिथि मिस पूजा रैना, सब जज, सिविल जज, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कठुआ जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया और भविष्य में नशा जो पूरे समाज को खोखला कर रहा है उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, उसके लिए हमें बहुत सारे प्रावधान जो है वो दिए। तो मुझे आशा है कि हमारे जो छात्र हैं वो मैम की जितनी भी मैम ने बातें बताई उन पे अमल करेंगे और अपने आसपास जो भी समाज में, जो भी युवा वर्ग, समाज के जितने भी लोग हैं जो इस नशे की आग में जल रहे हैं उससे मुक्ति पाने में उनकी सहायता करेंगे। धन्यवाद मैम। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर शुभ्रा जम्वाल का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो समाज के कल्याण के लिए हमेशा नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और समाज को एक नई राह की तरफ, एक नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करती हैं। धन्यवाद मैम। नशा मुक्त समाज अभियान कन्वीनर शिया शमीम जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बेड़ा उठाया है समाज को नशे से मुक्त करने का। धन्यवाद मैम। सभागार में उपस्थित सभी प्राध्यापकों का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। सभी छात्रों का धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। सभी छात्रों को धन्यवाद। मीडिया पर्सन्स का धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने में हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद। और मंच संचालक का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया है। धन्यवाद। विनाश है, नशा उन्नति में बाधा है, समाज में इसकी पकड़ ज्यादा है। उजाड़ा नशे ने घरों को, बिगाड़ा नशे ने मासूमों को, कितनों ने बेघर किया, युवाओं को बर्बाद किया। नशा जीवन का नाश है, समाज का विनाश है। आओ मिलकर प्रण लें, मन में दृढ़ संकल्प लें, नशा मुक्ति अभियान चलाएं, देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।